गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं वाटर टर्न। वन डे प्लान है, हालांकि रिकमेंडेशन ऑलवेज होता है कि दो डे प्लान करें वाटर टर्न के लिए, बट हमने एक ही दिन प्लान किया है। तो अभी हम लोग कैलगरी से निकलेंगे, सीधा जाएंगे पहले लंडबर्ग फॉल्स, जो कि रास्ते में ही पड़ता है, यहाँ से 2 घंटा है, और वहाँ से फिर वाटर टर्न जो है वो 1 घंटा और पड़ता है। तो पहले जाएंगे वाटरफॉल देखेंगे, फिर वहाँ से आगे जाएंगे वाटर टर्न लेक्स पार्क में, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेंगे और आगे क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। वैसे तो टाइट डे है, वहाँ पे भी हम दो ही चीज़ कर पाएंगे, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। आ गए हम लोग वाटर टर्न आके हम लोग ने ट्राई किया कि हमको क्रूज़ का टिकट मिले। तो हमारे फ्रेंड्स में से कुछ लोग टिकट के लाइन में रुक गए और हमको टिकट मिल गया लकीली, बट एक ही है कि अभी बजे हैं 12, टिकट मिला हमको 2 बजे का, तो अभी 2 घंटा हमको स्पेंड करना है। तो सोचे कि लंच कर लेते हैं पहले, और लंच के बाद फिर क्रूज़ करेंगे, सो दैट खाना भी टाइम पे हो जाए, क्रूज़ भी हो जाए, और उसके बाद आगे या तो रेड रॉक कैनियन करेंगे या फिर कैमरॉन वाटरफॉल करेंगे। बट बहुत ही अच्छा प्लेजेंट वेदर है, और आप देख सकते हो लेक भी कितना बढ़िया दिख रहा है। एंजॉय कर रहे हैं हम लोग ये वेदर को, ये व्यू को। समर का लास्ट वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड, उसका पूरा फायदा उठाने का ट्राई कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको वेदर? एकदम ब्लू स्काई, व्हाइट क्लाउड एंड ब्लैक क्लाउड टू। अभी किधर जा रहे हैं अपन? अभी हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं, खाना इधर देख रहे हैं हमारे वेज ऑप्शन के लिए, क्योंकि वेज ऑप्शन थोड़ा कम मिलता है इधर। आई थिंक इंडियन रेस्टोरेंट तो है ही नहीं वाटर टर्न में। हाँ, इंडियन तो कुछ नहीं है, तो हम वेज के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर सब वे ट्राई करेंगे, अगर उधर वेज कुछ मिलता है या नहीं। टिम हॉर्टन्स है यहाँ पे, तो टिम हॉर्टन्स में भी वेज राइस वगैरह मिलता है। हाँ, तो वो भी कर सकते हैं आई थिंक। हाँ, देखते हैं, चलो अभी थोड़ा टाउन में घूमते हैं, घूमने के बाद पता चलेगा 5-10 मिनट में। छोटा सा टाउन है इधर ही, एकदम 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस, देख लेते हैं। चलिए, हाँ चलो। देखते हैं अभी, चलो अंदर जाके क्या मिलता है खाने के लिए वेज में। अरे वेज का है, वेज स्टिक्स और वो सब। खाना हो गया, सबवे से वेजी राइस बोल और वेजी सैंडविच लेके आज का दिन निकालेंगे। लंच में वही खाया था, बट अच्छा था। मतलब वेजिटेरियंस के लिए इससे ज़्यादा ऑप्शंस मुझे तो नहीं दिखे वाटर टर्न में। पिज़्ज़ा ऑफ वाटर टर्न है, वहाँ पे आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा वेजी, बट अदर देन दैट प्रॉब्ली आई थिंक लिमिटेड ऑप्शंस है। अभी हो गया, अभी 2 बजे का क्रूज़ है, यहाँ पे देख सकते हो आप पीछे क्रूज़ अनलोड हो रहा है, और एक पीछे होटल है, ये होटल का व्यू है, और ये लेक है वाटर टर्न लेक, तो उस पर ही हम लोग अभी क्रूज़ में जाएंगे। 2 बजे का टिकट्स है, तो बाकी के फ्रेंड्स के लिए वेट कर रहे हैं, एक बार वो आ जाए तो फिर थोड़ा यहाँ पे ये व्यू के साथ फोटो वोटो खींचेंगे एंड देन विल गो फॉर द क्रूज। तो मिलते हैं आपको क्रूज पे। ये बॉर्डर है, इस साइड कनाडा है, इस साइड यूएस है, ये जो है ये लाइन बॉर्डर है, एक ये साइड पे है, एक वो साइड, ये बॉर्डर है।
बॉर्डर क्रॉस कर गया, बॉर्डर क्रॉस हो गया, अभी यहाँ से बोट पूरा यू टर्न मार के वापिस कनाडा लेके जाएगा। अभी हम लोग यूएस बॉर्डर के अंदर है। बहुत मजा आया हमको क्रूज में, हमने मेलिंग लेक में मिस किया था, बट दिस इज वर्थ इट। अभी कोई अफसोस नहीं है कि मेलिंग लेक में हम नहीं कर पाए और लीगली यूएस बॉर्डर में गए विदाउट वीज़ा और वापस आ गए। बहुत मज़ा आया। अभी आगे जाते हैं, या तो कैमरॉन लेक जाएंगे, कैमरॉन वाटरफॉल्स जाएंगे, या फिर रेड कैनियन जाएंगे। मिलते हैं अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। सर आप लोग का एक्सपीरियंस ये क्रूज में? आप लोग ने फर्स्ट टाइम किया ना ये? हाँ, अच्छा लगा मेलिंग लेक। अच्छा था, this one is big, right? And longer as well. Longer as well and much more beautiful. Much more beautiful. और US में भी जाने मिलता है। हाँ। Without visa. Free में US भी मिल गया। हाँ, okay. ये जो ऊपर hike दिख रहा है आपको, इसको bear trail बोलते हैं। I think bear hump trail बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर आप hike करके जा सकते हो। यहाँ से best view मिलता है आपको पूरे lake का। But it's one of the steepest hike here. टोटल नीचे से ऊपर तक पूरा स्टीप क्लाइंब है, जो भी आपको स्लोप दिख रहा है उतना पूरा स्टीप क्लाइंब है। तो इट्स शॉर्ट बट इट्स टायरिंग, बट द व्यू आर वेरी मच रिवॉर्डिंग एट द एंड। प्रिंस ऑफ वेल्स होटल में चक्कर लगाने के लिए गाड़ी अंदर डाली है, बट ट्रैफिक में अटक गए, तो आई एम नॉट श्योर, मे बी अर्ली मॉर्निंग में इतना ट्रैफिक नहीं होगा, बट अभी जैसे 3:30 बजा है, फुल ऑन ट्रैफिक है अभी यहाँ पे ऊपर जाने के लिए। बट देखते हैं कितना टाइम लगता है, बट प्लान योर डे। वो ऑन वाटर टन में मे बी आपको दो या तीन दिन का स्टे करके आप काफ़ी कुछ कवर कर सकते हो। वन डे इज़ टू टाइट, मतलब हमने काफ़ी चीज़ छोड़ दी अभी। एज़ पर प्लान हमने कैमरॉन लेक नहीं देखा एंड कैमरॉन वाटरफॉल भी छोड़ दिया है। हम लोग सीधा जा रहे हैं अभी रेड रॉक कैनियन। यह है प्रिंस ऑफ वेल्स होटल। अनफॉर्चुनेटली इनका फ्री पार्किंग ख़त्म हो गया है, और सिर्फ अगर होटल देखना है उसके आसपास जाना है तो $10.50 पार्किंग देना पड़ेगा। इधर से ही हम लोग चले जाएंगे। रेड रॉक कैनियन तो पहुंच गए, बट दो पार्किंग है, P1 P2। P1 पूरा फुल था इसलिए P2 में पार्क किया। तो एक रिकमेंडेशन है या सजेशन समझ लो कि अगर ऊपर जाने में ट्रैफिक है तो बेटर है कि P2 में रोक लो और P2 में ही पार्क कर लो, बिकॉज ऊपर पक्का पार्किंग नहीं होगा तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और अगर आना है तो अर्ली इन द डे प्लान करो, सो दैट आपको पार्किंग भी मिल जाए ऊपर एंड आपको ज़्यादा चलना भी ना पड़े। बाकी तो देखते हैं अभी कितना हाइक है। रेड रॉक कैनियन ट्रेल शुरू कर दिया चलना। अभी कुछ 0.7 किलोमीटर्स पर रेड रॉक कैनियन है, उसके आगे 1 किलोमीटर आगे फॉल्स है और 1 किलोमीटर बैक, तो टोटल 3 किलोमीटर जितना कुछ हाइक होगा। तो मज़ा आएगा, आज भी हाइक कर रहे हैं बट ये पहली हाइक है आज और लास्ट हाइक होगी। देखते हैं अभी और क्या क्या देखने मिलेगा यहाँ पे। एक ग्रिजली बेयर तो देखना है, एक भी ट्रिप में अभी तक ग्रिजली बेयर दिखा नहीं हमको, पता नहीं कब लकी होंगे हम ग्रिजली बेयर देखने के लिए। कैनियन के अंदर चल रहे हम लोग अभी। ये जो भी पानी है ये आइस मेल्ट हो के पूरा पानी बना है, एकदम अच्छा खासा ठंडा पानी है।
एक्सपीरियंस पानी में, एकदम मस्त आइस में, कैसा लगा? चिल, ब्यूटीफुल, चिल। पहले कैसा लगा? पहले एकदम पहले चिली लगा, फिर चिल हो गया, फिर चिल हो गया, एकदम बढ़िया मजा आया, मजा आया। बट एक इतने ट्रिप्स में सबसे अच्छा, मतलब मेरे को लगता है इतने ट्रिप के उसमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये वाला था, ये हाँ एकदम मस्त। ये वाले में कुछ हटके एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस अपने को और कहीं नहीं मिला था, मतलब 3 घंटे का सफर वर्थ है इस पे आने का। साढ़े 8 हो गया, सनसेट हो गया है, फिर भी लंडबर्ग फॉल्स आ गए। अभी नेक्स्ट टाइम वापस आएंगे दिन में देखने के लिए, भी अच्छा ही दिख रहा है वैसे। लोग नीचे मछली पकड़ रहे हैं डिनर के लिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।